हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिलोनी ब्लॉग्स। तो आज मैंने बनाए हैं आटे के शक्कर पारे और ये बन के इतने खस्ता तैयार हुए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मैंने बनाए हैं गेहूं के आटे से और इसमें थोड़ी सी सूजी यूज़ की है जिससे कि वो और ज़्यादा खस्ते बने और ये बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं, एकदम मेल्ट इन माउथ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेने से पहले हम एक शुगर सिरप बना के तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक पॉट में चीनी ले ली है और लिया है पानी। अब हम इसको पकाएंगे। हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी इसके लिए, एक मतलब ये डिज़ोल्व हो जाए शुगर इसमें पानी में, और तब तक हमें इसको पकाना है। और इस तरह से चलाते रहेंगे कि चीनी लगे ना नीचे, ऐसे चलते चलते ये पूरा इसमें जब डिज़ोल्व हो जाएगा। अभी देखिए बॉयल आने लग गया है इसमें, तो अब हम इस स्टेज पे गैस बंद कर देंगे और इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए, फिर हम अपना डो तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे आटा लिया है, आटे के साथ मैंने लिए सूजी ली है, मोटी या पतली आप कोई भी सूजी ले सकते हैं। तो अब क्योंकि हम थोड़ी देर डो को लगा के रख देंगे तो वो उसमें फूल जाएगी, तो मैंने यहाँ पे सूजी ली है और लिया है थोड़ा सा नमक। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ऐसे ही करेंगे तो एक साइड सूजी और एक साइड आटा रह जाएगा, तो उनको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम घी डालकर और अच्छे से इसको रब करेंगे। इसका हमें सैंडी टेक्सचर लाना है, इस तरह से ये हो गया है, तो वो भी इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा घी डाल के रब करते जाएंगे। अब हमारा शुगर सिरप ठंडा हो गया है, ठंडा करके ही डालना है इसमें। तो अभी ठंडा हो गया था तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, हम शुगर सिरप इसमें एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे और रब करते जाएंगे। इसी तरह से हमको डो तैयार कर लेना है और ये हमारा डो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी डाला है तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा फूलने के लिए, तो हम कुछ देर के लिए इसको ढक के रख देंगे। अभी कुछ टाइम हो गया था तो थोड़ी देर बाद मैं निकालती हूँ और ये इस तरह का डो बन के तैयार हुआ है। अब हम आटे के गोले बना करके तैयार कर लेंगे और हम इनको बेलेंगे। हमें मोटा ही इसको रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, क्योंकि जो नमक पारे होते हैं उसको हम पतला बेलते हैं और जो शक्कर पारे होते हैं उसके लिए हमें मोटा ही चाहिए, तभी वो अंदर अच्छे से खस्ता बनेगा। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा मोटा ही बेलेंगे और इसको आप जैसा भी आपको शेप पसंद है उस शेप में आप इसको कट कर सकते हैं, स्क्वायर शेप, ट्रायंगल शेप, जैसा भी आपको पसंद है उस शेप में आप इसको कट करके तैयार कर लें। तो मेरे साथ हो गया था कि मैंने एक इससे पहले एक बार बनाया तो वो ना फैल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मेरे साथ हुआ है, गड़बड़ तो आपके साथ ना हो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले मैंने इसको बना दिया और एक बार कट करके मीडियम ऑयल में डाल दिया, मीडियम हॉट ऑयल में डाल दिया, वो पूरा फैल गया। फिर मुझे पता लगा, मैंने बहुत सारे उसमें वो किया कि ये क्यों हुआ होगा ऐसा। फिर मैंने देखा कि मेरा डो शायद ज़्यादा टाइट है, मैंने उसमें थोड़ा सा और पानी लगाया। तो अगर आपका ऐसा डो लग रहा है कि थोड़ा टाइट लग रहा है रखने के बाद में, उसमें सूजी फूल गई क्योंकि मेरी सूजी मोटी थी तो वो ज़्यादा फूल गई, तो वो थोड़ा टाइट हो गया, तो हार्ड नहीं चाहिए हमको डो। और आप उस पर पानी लगा के रेस्ट के बाद में आप थोड़ा सा और पानी लगाएं अपने डो को और थोड़ा सा उसको मतलब सॉफ्ट एक डो तैयार कर लें और उसके बाद फिर बनाएं, तो बहुत अच्छे मेरे उसके बाद बन के तैयार हुए। इसी तरह से एकदम धीमी आँच में हमें इसको पकाना है, तेज़ नहीं करनी है, तभी ये अंदर तक अच्छे से पक पाएंगे, एकदम स्लो स्लो उसमें और पेशेंस के साथ हमको ये पकाना है। 5-6 मिनट लग सकते हैं एक घान को पकने के लिए। तो ये इस तरह से बन के तैयार हो गए हैं और गरम को आप हाथ ना लगाए, ठंडे होने दे, उसके बाद ये मेरे इस तरह से बन के तैयार हो गए हैं, ठंडे हो चुके थे। और ये मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही खस्ता तैयार हुए हैं ये, बहुत ही मेल्ट इन माउथ है एकदम, और अंदर तक पक भी गया है पूरा, कहीं से कच्चा आटा कुछ नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हुए हैं और सबको पसंद आए, और आप भी घर पर ये बनाना। और साइड बाई साइड जब मैं ये बना रही थी ना, उसके बाद मुझे याद आया कि मैं थोड़े से नमक पारे भी बना लेती हूँ। नमक पारे मेरे घर में बहुत मतलब बचपन से बनते आए हैं, मम्मी बनाती थी, तो ये रेसिपी के लिए मुझे कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने ये इसका कोई वो डाला भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा ऐसे 10 से 15 मिनट हार्डली लगे होंगे मुझे ये बनाने के लिए, और कट करके एकदम से ये तैयार हो गया। इसके लिए कोई मेजरमेंट ऐसे ही बस डाला, नमक डाला और मैदा लिया और अजवाइन डाला और ये मेरा बनके तैयार हो गया है साथ में। तो मैंने दिवाली के लिए बहुत सारे अपने होममेड स्नैक्स बना लिए हैं, आपने क्या क्या बनाया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने इस तरह से ये डब्बों में भर के रख लिया है, यहाँ पे मेरी खस्ता मठरी है, यहाँ पे मेरा होममेड नमकीन है और मैंने बनाया है